Your Excellency, Prime Minister Kishida, distinguished delegates, नमस्कार। जापान के प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम भारत यात्रा पर प्रधानमंत्री किशिदा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। कुछ दिन पहले जापान में आए भूकंप के कारण जान माल की क्षति के लिए मैं पूरे भारत की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किशिदा भारत के पुराने मित्र रहे हैं। विदेश मंत्री की भूमिका में वे कई बार भारत आए थे और मुझे उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर भी मिला था। पिछले कुछ वर्षों में भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में जो अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली, उसमें प्रधानमंत्री किशिदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज की हमारी समिट का आयोजन एक बहुत महत्वपूर्ण समय हुआ है। विश्व अभी भी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में अभी भी अड़चनें आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत जापान पार्टनरशिप को और गहन करना सिर्फ दोनों देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी पीस, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारा आपसी विश्वास, हमारे सिविलाइजेशनल टाइज, डेमोक्रेसी, फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ जैसे हमारे साझा मूल्य हमारे संबंधों के मूल में हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयां तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। फ्रेंड्स, भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसिस में जबरदस्त विश्वास है, उत्साह है। जापान भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक विश्वस्त साथी है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल जैसे हमारे फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। हम इस योगदान के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट में अच्छी प्रगति हो रही है। दोनों देश इस पर वन टीम वन प्रोजेक्ट की अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट भारत जापान पार्टनरशिप का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि हमने 2014 में निर्धारित 3.5 ट्रिलियन जापानीज येन का इन्वेस्टमेंट टारगेट पार कर लिया गया। अब हम अपने महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ाने का निर्णय लिया है और आने वाले 5 वर्षों में 5 ट्रिलियन येन मतलब करीब 3,20,000 करोड़ रुपए का नया टारगेट तय किया है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में भारत ने व्यापक आर्थिक रिफॉर्म अपनाए हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में जापानीज कंपनीज बहुत समय से एक प्रकार से हमारी ब्रांड एम्बेसडर्स रही है। हमारे बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर्स में पार्टनरशिप में नए आयाम जुड़ रहे हैं। हम जापानी कंपनीज को भारत में अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज लॉन्च किया गया
इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप रोड मैप इसके लिए एक कारगर मैकेनिज्म सिद्ध होगा। जापान के साथ हमारी स्किल्स पार्टनरशिप भी इस दिशा में कारगर भूमिका निभाएगी। फ्रेंड्स, भारत और जापान दोनों ही सिक्योर, ट्रस्टेड, प्रिडिक्टेबल और स्टेबल एनर्जी सप्लाई के महत्व को समझते हैं। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उस लक्ष्य को पाने और क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए बहुत ही अनिवार्य है। हमारी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इस दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम साबित होगा। कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आज हमारे बीच सहमति बनी है, घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री किशिदा की यह यात्रा भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप में नए आयाम जोड़ने में सफल रही है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री किशिदा और उनके डेलीगेशन का भारत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर।